YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, बड़ी बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। बात करेंगे हरियाणा की और हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की। बजट सत्र का तीसरा दिन भी हंगामेदार रहा है। सदन में कई मुद्दों को लेकर गहमागहमी देखी गई। कभी भी गरूर नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूं आप हार कर भी गरूर करते हैं, लेकिन हम जीत कर भी विनम्र बैठे। तो हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन हरियाणा के सीएम ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया है, विपक्ष को निशाने पर लिया है और सीएम को आपने सुना भी कि विपक्ष हार कर भी गुरूर करता है जबकि हम जीत कर भी विनम्र रहते हैं। मेयर चुनाव का जिक्र किया गया, छात्र संघ चुनाव का जिक्र किया गया, इससे पहले पंचायतों का भी जिक्र किया गया और जिन बाय इलेक्शन का जिक्र किया गया कि बीजेपी को जनता लगातार बीजेपी पर विश्वास कर रखी है और बीजेपी को जिताने का काम कर रखी है। प्यार विपक्ष भी दिखाता है कि हम भी जनता से प्यार करते हैं, हम भी कहते हैं कि हम जनता को प्यार करते हैं, लेकिन अंतर है। जब आप सियासत की बात करते हैं तो आप सियासत की खातिर प्यार करते हैं और हम जब प्यार की बात करते हैं तो हम प्यार की खातिर सियासत करते हैं। आप सेवा करने की बात कहते हैं तो आप सियासत की खातिर सेवा करते हैं, हम सेवा की खातिर सियासत करते हैं। ये अंतर हमारा आपका है और इसको प्रत्यक्ष जनता अनुभव कर चुकी है। इतना इतिहास पिछले 48 साल का और ये 4.5 साल जीत हार लगी रहती है, लेकिन जीत हार में भी मानस कैसा, मानस भी अच्छा चाहिए। कभी भी गरूर नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूं आप हार कर भी गरूर करते हैं, लेकिन हम जीत कर भी विनम्र बैठे हैं। विनम्रता का भाव हमारा आज भी उसी प्रकार का बना हुआ है। ये जो इस वर्ष का जितना काम करना वो तो करना ही है, आने वाले सत्र में भी, आने वाला जो अगला जो चुनाव के बाद का 5 साल का जो सत्र है वो भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक प्रकार से उसमें आगे बढ़ेगी और मेजोरिटी से वो बढ़ेगी। अभी तो ये देश में उससे पहले का एक प्रयोग लोकसभा चुनाव आएगा और उस लोकसभा के बाद निश्चित रूप से विधानसभा का अपने निश्चित समय के ऊपर होगा, ऐसा हम लोगों ने पहले से डिक्लेयर कर दिया है। देखिए, एक बार फिर से साफ कर दिया गया कि सीएम की ओर से कि विधानसभा चुनाव अपने समय पर होंगे, लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी बहुमत के साथ देश में सरकार बनाएगी, उसके बाद विधानसभा चुनाव में भी प्रचंड बहुमत बीजेपी हासिल करेगी। इसके अलावा हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने नेता विपक्ष अभय चौटाला के सवालों का जवाब दिया है और सीएम की ओर से कहा गया कि अच्छा होता अगर अभय चौटाला सदन में होते और खुद अपना जवाब सुन लेते। किसानों की जा रही है, अब अच्छा होता कि किसानों की बात सबसे ज्यादा करने वाले हमारे नेता प्रतिपक्ष ने जो बातें की, अब चूंकि उन्होंने बात की है वो होते तो उत्तर सुन लेते स्वयं। MSP घोषित होने के बाद ये हमको मालूम है कि जहाँ तक धान और गेहूं इसके खरीदने की बात है, प्रोक्योरमेंट करती है FCI, सब एजेंसियों के माध्यम से कर लेते हैं, लेकिन ये जो बाकी फसलें हैं, चाहे उसमें बाजरा है या उसमें मूंग है या उसमें सरसों है या उसमें सूरजमुखी है, ऐसी फसलें जो स्टेट में अपने आप कंज्यूम कर सकते हैं वही चीज़ें आपको खरीदनी है, ये भी उसमें एक शर्त है। अब चूंकि अपने आप खरीदनी है, मार्केट में वो भाव पूरा मिलेगा नहीं, हमने योजना बनाई कि हम इसके अंदर भावांतर भरपाई योजना देंगे। बाजार का भाव 1500-1600 रुपये बाजरे का था जब बाजरा शुरू हुआ, हमको इसमें 1900 के भाव में खरीदनी है। अगर हम ये 400 रुपये का जो अंतर है ये भावांतर भरपाई योजना सबके लिए खोल देंगे तो ये पूरा राजस्थान की बेल्ट जहाँ बाजरा होता है ये धड़ाधड़ आपके यहाँ बाजरा, कोई रोक टोक तो है नहीं, सब ला सकते हैं। इसलिए उसका रजिस्ट्रेशन कराया और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया वही केवल उतना 8 क्विंटल की रेशो के हिसाब से बेच सकते हैं, अन्यथा एक एक एकड़ के ऊपर 20-20, 50-50 क्विंटल भी बेचा जा सकता था। इस रजिस्ट्रेशन का हेतु ये भी था, इसलिए हम पहली बार इस सारी योजना से 18,25,000 क्विंटल ये बाजरा खरीद। हम ढूंढने निकलते हैं कि बाजरे का किसान मंडी में होगा, जाओ मंडियों का चक्कर मार के आओ और उनके चेहरे देखो। अब उनके चेहरे मंडियों में देखने की जरूरत नहीं है, जब वो बैंक में जाते हैं और बैंक में जाकर के उनको पता लगता है हमारे खाते में पैसा आ गया, उनका चेहरा वहां खिलता है।
मंडी में खिलना कहाँ देखा जाते हैं। वो जमाना बीत गया कि जब उसको आड़ती पैसे देता था, जेब में डालता था, आधे दे, पूरे दे, कम दे, ना दे। तो मुख्यमंत्री को आपने सुना। इनके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सदन में सरकार को घेरा है। वहीं सदन के बाहर भी प्रेस वार्ता की गई है, सरकार पर आरोप लगाए गए हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हमने रॉबर्ट वाड्रा को एक इंच जमीन भी नहीं दी है और सीएम सिर्फ राजनीति कर रखे हैं। हुड्डा ने यह भी कहा कि सरकार के मंत्री खुद की शिकायतकर्ता हैं, खुद की वकील हैं और खुद की जज भी बन गए हैं। हुड्डा ने चुनौती दी और कहा कि जांच करवा लूं और बता दूं कि किस जेल में चलना है, कब चलना है, मैं तैयार हूं। ये सिर्फ जो है किसानों को नुकसान होगा इससे, क्योंकि हर व्यक्ति आम किसान रजिस्ट्रेशन कराओ पहले, और बहुत सारे लोग जो है ज़मीन ठेके पर लेते हैं, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता है। अब ये कहता है जी उससे नो ऑब्जेक्शन लोग किसान से, मान लो मैंने ठेके पर लिखा है एक एकड़ गरीब आदमी में, तो एनओसी किसान देगा नहीं, क्योंकि NOC दे दी तो गिरदावरी उसके नाम चढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से ये कॉम्प्लिकेट करने की बात है और मैं सरकार से आग्रह करता हूँ तुरंत वापस लें। ये सिर्फ जो है किसान की पूरी फसल ना खरीदी जाए MSP पे, वे मतलब सिर्फ उसमें अड़चन बनेगी। अब बाबा बार बार ये कहते हैं, रॉबर्ट वाड्रा का नाम लेते हैं, जमीन लुटा दी। मैं चैलेंज करता हूँ उस पर, एक इंच भी सरकारी जमीन हमने नहीं दी किसी को। लेकिन ये इस प्रकार की झूठी बातें करना अच्छी बात नहीं जिम्मेवारी पद पर बैठ कर। वोटिंग जब मैं कह रहा हूँ विपक्ष के नेता में नैतिकता होनी चाहिए, खुद छोड़ देना चाहिए। सर संगठन की बात करें आपके, ऐसा है यही तो मैं कहता हूँ, ये करते कुछ है कहते कुछ है और दूसरों पर झूठा इल्जाम लगाते हैं। हमारी 10 साल की एक भी नौकरी चैलेंज नहीं हुई, एक भी आदमी को रिश्वत लेते नहीं पकड़ा गया। यहाँ इनके SS कमीशन के आदमी पकड़े गए और हाईकोर्ट ने ये लिखा कि भाई ये काम जब तक ऊपर का हाथ ना हो ये नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। उन्होंने कहा है कि जो सरप्लस वाटर जा रहा है, सरप्लस वाटर जा रहा है, रावी का हम तो कब से कब करें, ये जो सेकंड ब्यास सतलुज प्रोजेक्ट जो है वो हमारे समय का मंजूर हुआ, वो यही तो है और क्या चीज़ है। वो जो सरप्लस पानी जा रहा है उसी को रोकने के लिए तो ये है प्रोजेक्ट, जो अब तक अमली जामा नहीं पहनाया गया। सेंट्रल वाटर कमीशन ने भी मेरे समय में क्लियरेंस दी हुई है, लेकिन अभी वहीं का वहीं अब तक। तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आपने सुना। हालांकि अभी भी सत्र की कार्यवाही जारी है, सोमवार को बजट पेश किया जाना है। आज तीसरा दिन रहा जो कि कार्यवाही आपको बताया पहले भी कि डबल सिटिंग है चूंकि और अभी भी जारी है। और फिलहाल आज क्या कुछ रहा, किन मुद्दों को लेकर हंगामा हुआ, बजट में क्या खास हो सकता है, इन सवालों की जवाब लेने की कोशिश करेंगे। खास पैनल मेरे साथ है हरियाणा BJP की ओर से प्रवक्ता के नीलम चौधरी जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस से प्रवक्ता भूम सिंह राणा जी हमारे साथ हैं। इनेलो से प्रवक्ता डॉक्टर सतवीर सैनी जी, JJP से प्रवक्ता दीप कमल साहरण जी हमारे साथ हैं। LSP से प्रवक्ता दीवान सिंह भाटीवाल जी हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र सिंह जादून जी हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है इस चर्चा में। नीलम जी शुरुआत आपसे ही करते हैं, क्या कुछ रहा आज तीसरे दिन अगर सरकार के पक्ष की बात करें। जी देखिए, हमारे ऑनरेबल मुख्यमंत्री जी के जो अभिभाषण था गवर्नर की स्पीच पर, उस पर आप देखिए उन्होंने एक एक करके लगभग हर मुद्दे को छुआ है और सरकार के किए गए कार्यों का भी उसमें विवरण है और बीच बीच में जो विपक्ष के सवाल थे उनका भी उन्होंने बड़े राजनीतिज्ञ वे में और बड़े ही एक रिस्पॉन्सिबल वे में सबका जवाब भी दिया। आप देखें जो सबसे ज़्यादा एक हमारे यहाँ जो है किसानों से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती हैं उन सब का हमने निराकरण स्टेप बाय स्टेप वे में किया है। जैसे शुरू से ही हमने उस चीज़ को लिया कि स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट थी वो हमने लागू की, जिस पर कि हुड्डा जी ने सवाल भी किया था कि आपने तो कुछ नहीं किया, तो जिसका जवाब भी मुख्यमंत्री जी ने स्वयं उसी सदन में ही दे दिया था उसी वक्त कि भाई आप तो चेयरमैन थे उस कमेटी के, आपकी तो एक बात भी नहीं मानी गई थी और आपने तो कोई वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशें कब लागू की हमारी इस बजट में जो फर्स्ट आपने कभी स्वामीनाथन की रिपोर्ट पढ़ी है? उसके 6 वॉल्यूम्स है, 5th वॉल्यूम में जितनी भी उनकी शर्तें थी उनमें से मैक्सिमम जो है उनको लागू किया गया है। लागू करने में फर्क है ना मैडम? हाँ, बहुत बड़ा फर्क है। देखिए एक तो ये कि आपने कभी कोई काम किया ही नहीं और एक आप उसकी सारी योजनाओं को शुरुआत से लेके आते हैं, एक शुरुआत करते हैं। अब देखिए कितनी सारी चीजें हैं, MSP लागू करना था, फसल बीमा योजना थी और जो लागत मूल्य को कम से कम करें वो था और सॉयल हेल्थ कार्ड है जो उनको डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, जो मार्केटिंग है गांव से लेके मंडी तक जो सुविधाएं देनी है वो सारा हमारे वेल प्लान्ड वे में, ग्राम सड़क योजना और ई नैम से, इवन हरियाणा की भी जो 54 मंडियां है ई नैम से कनेक्टेड है।
तो जो सुविधाएं हम किसान को देंगे तभी तो उसकी लागत कम आएगी और वो मंडी में अधिक से अधिक भाव पर बेचेगा और उसका एमएसपी भी जो हमने सुनिश्चित किया है। और जो किसानों के लिए जो अभी एक सुरक्षा निधि योजना के तहत 6,000 हर एक साल के जो दिए जाएंगे उसका भी मुख्यमंत्री जी ने जिक्र किया। अब इस तरह से जो सुविधाएं हैं हम चाहते हैं कि हमारे किसानों की आय जो 2022 तक दुगनी हो जाए, एक तो ये। और एक दूसरा एक और जो उन्होंने कहा था कि जो एक्स ग्रेशिया जो स्कीम थी, जो पहले की यदि किसी के परिवार का सदस्य नौकरी में हो, उसकी मृत्यु हो जाती थी तो उसके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी दे जाने का भी प्रावधान है। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो नौकरियों की हर बार जो विपक्ष शोर मचाता रहता है, तो मुख्यमंत्री जी ने आज वो भी बात सदन में रखी कि 50,000 से ज्यादा हम ऑलरेडी दे चुके हैं और अभी जो 18,000 जो डी ग्रेड की थी उसमें 13,000 कैंडिडेट्स ऐसे सेलेक्ट हुए हैं जिनके परिवार में पहले कोई सरकारी नौकरी में नहीं था। तो जो सरकारी नौकरी में जो अलग से 5 अंक दिए जाते हैं उसको हाईकोर्ट में किसानों को लेकर और नौकरियों को लेकर खास तौर पर, क्योंकि आपकी सरकार का दावा है, राज्यपाल के अभिभाषण में भी इसको शामिल किया गया कि पारदर्शिता के साथ दी गई, लेकिन 2,00,000 प्रति साल जो दिए जाने का वादा था वो पूरा नहीं कर पाए। स्वामीनाथन को लेकर एक बार आप कहते हैं कि रिपोर्ट लागू कर दी, एक बार आप कहते हैं कि मैक्सिमम मांगे मान ली गई है, इसमें भी बड़ा पेच है। तो क्या लगता है रोजगार को लेकर, युवाओं को लेकर और साथ ही किसानों को लेकर कुछ खास करने की जरूरत है सतबीर सैनी जी सरकार को बजट में? देखिए ज्योति जी, खास तौर से जो नेता प्रतिपक्ष ने भी ये जितने भी मुद्दे उठाए किसानों को लेकर बेरोजगारों की समस्या से निपटने के लिए, उसमें सबसे पहली बात उन्होंने जो उठाई थी, जो केंद्रीय सरकार के बजट में 6,000 रुपये का जो एक सहायता किसान के लिए दी है वो बहुत मिगर अमाउंट है। उन्होंने उदाहरण भी दिया तेलंगाना में कि एक किसान को, छोटे किसानों की जो सहायता करने की बात थी, 4,000 प्रति एकड़ के हिसाब से है और ये स्मॉल फार्मर जो है 5 एकड़ तक के होते हैं, उसमें 20,000 तक का उनको दिया गया है और उसमें एक हद तक उनको एक मदद मिलती है ताकि उनका बीज का, खाद का या दवाई का या उसको बिजाई करने में उसको मदद हो सके, वो एक सहायता थी। और यही उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करे सो दैट किसान का जो जो इसमें ना जो आज वो कर्जे में दबा पड़ा है, और खास तौर से कर्जे में भी क्यों आया है, वो इसलिए आया है कि जो स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट थी जो लागू करनी थी, जो इनका मैनिफेस्टो में भी था भाजपा के में, और 4.5 साल गुजरने के बाद जब वो करते हैं वो भी पूरी नहीं की। और असली जो करेक्ट पॉइंट है, नीलम जी ने बहुत सारे पॉइंट उठाए, वो ये किया, ये सुविधाएं दी, इससे ये होगा, सॉयल कार्ड का, और बहुत सारी बातें उठाई, लेकिन असली जो करक्स था वो ये था जो लागत और उसका 50% उसमें जोड़ के दे देना था। लागत इन्होंने छोड़ दी, जो फार्मूला था वो फार्मूला ही छोड़ दिया, तो उसकी जो लाभकारी मूल्य जो था वो उसको मिला ही नहीं, तो उसी स्थिति में है। अब उसमें क्लेम कुछ भी करते रहे, ई फंड बट लगा के, और खुद कह रहे थे राजनीतिक तौर पे जवाब, ये सारे राजनीति की तो करते हैं लेकिन किसान की दिशा को समझने का बिल्कुल काम नहीं किया इन्होंने। और किसान की जो हालत है आज की डेट में, जो डेप्ट किसान के ऊपर है, जो उसकी हालत बनी हुई है, उसको उसका मजाक तो भले ही कुछ किया गया हो लेकिन उसमें मदद करने की कोई बात नहीं है। अब दूसरी बेरोजगारी वाली बात है, 2,00,000 बेरोजगार हर साल 2,00,000 देंगे, अब ये सिर्फ उस बात को करते हैं जो खाली वैकेंसी थी, ये तो रूटीन का काम है सरकार, इसमें कौन सा अपना नहीं, ये बहुत रूटीन का काम है। छोड़िए बात, आप जो बात करते हैं आपने आपके मैनिफेस्टो में, नहीं मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मेरी बात सुनिए पहले, आप पहले मेरी बात सुनिए, नहीं आप बात सुनिए पहले, बात नहीं जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरी बात सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ। 2,00,000 रोजगार देने की जो बात का मतलब ये था, बात सुनिए पहले, एडिशनल एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, और वो कैसे होंगी, आपने हैपनिंग हरियाणा किया, उसमें ये दावा आया 6,50,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए, बड़े 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 क्लेम किए गए और विदेश यात्रा की वो एफडीआई अट्रैक्ट करने के लिए, हुआ क्या? आपने इस बात का गवर्नर एड्रेस में कहीं कोई जिक्र नहीं है, कितनी इन्वेस्टमेंट बाहर से आई, जब इन्वेस्टमेंट बाहर से आती है नए उद्योग लगते हैं, जब भी रोजगार के साधन आते हैं रोजगार की अपॉर्चुनिटी मिलती है, उस बात का कोई जिक्र नहीं है। ये बार बार कहते हैं जी हमने इतनी पोस्ट भर दी, वो तो वैकेंसी होती है, वैकेंसी भरना स्टाफ सिलेक्शन कमीशनर का काम है, और बार बार ये कहते हैं हमने ईमानदारी से की, हमने ट्रांसपेरेंट की, करनी चाहिए सरकार को ईमानदारी, इसमें आसान क्या करते हैं, चेयरमैन पकड़ा गया, चेयरमैन पकड़ा गया, करनी चाहिए, मुख्यमंत्री जेल में है, नहीं नहीं आप इस बात को छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ दीजिए, ऐसा है, ऐसा है, मेरी बात सुनो, आपकी सरकार कांग्रेस की सरकार, अच्छा मेरी सुनो, आपने बोल दिया मेरी बात नहीं पकड़ा गया, आप मेरे को जवाब दे दिए, आपने तो लिपा पोती करके उसको बचा लिया, लेकिन लेकिन आज आपको मैं बता दूं, मैं आपको बता दूं, आपकी जब सरकार जाएगी
जब आपको पता लगे, जो जाएगी सरकार से पता लगेगा, जब इसकी चेंज होगी। हमारे साथ तो षड्यंत्र हुआ था, चौटाला साहब के साथ षड्यंत्र हुआ था, सम्मान करते हुए कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए उन्होंने अपनी जेल काटी है, इसमें बात खत्म होगी, उसका जिक्र ही नहीं होना। उन्होंने अपनी जेल काट ली, उसका जिक्र क्या है? तो जेल काटने कोई गलत काम किया नहीं, तो जेल। अब आप भी तैयार रहिए, ये गलत काम करता है, कानून के दायरे में जाएगा, और बार बार करते हैं ईमानदारी से, ईमानदारी का ढोंग पीट रहे हैं आप लोग, ईमानदारी का भी पता लगेगा। आप ईमानदारी से कर रहे हैं तभी तो हम इलेक्शन, आपकी एक प्रॉब्लम है, आप दूसरे की बात सुनने नहीं दे रहे, ताकि कोई बात कहे तो उसको आप जवाब, आपके पास जवाब तो कोई है नहीं, आप बीच में बोलते हो क्योंकि ताकि कोई सुनना पाए। नहीं नहीं नहीं, आप कर रहे हैं, आपके सारे सवालों के जवाब है, बिल्कुल आपकी ऐसी बातें होती है। सदन में आज कहा गया कि पूरी पारदर्शिता के साथ और बिना भ्रष्टाचार की हम लोगों ने नौकरियां दी है, खुद सीएम ने कहा और कई विधायकों की ओर से भी कहा गया कि बिना पर्ची और खर्ची के हम नौकरी दे रखी है, पिछली सरकारों में भ्रष्टाचार हुआ, क्या लगता है कि कोई प्लस पॉइंट रखेगा आने वाले दिनों में चुनाव के वक्त बीजेपी के लिए इस बात को लेके? भूम सिंह राणा जी से सवाल है मेरा। अच्छा, ओके। ज्योति जी, पारदर्शिता की बात, ये नौकरियों के बारे में कहते हैं, सारे हरियाणा को पता है, सारे हिंदुस्तान को पता है भी चेयरमैन ने किस तरह की गड़बड़ियां की उसमें, और किस तरह आरोप प्रत्यारोप उनके ऊपर लगे, परंतु भारतीय जनता पार्टी के मनोहर लाल खट्टर जो ईमानदार सरकार कहती है, क्या उन्हें नहीं पता है भी अवैध खनन के नाम पे रोजाना करोड़ों रुपए कालका से लेकर रेवाड़ी तक इकट्ठा होता है डेली, और उनके एमएलए इकट्ठे करते हैं, एक भी एमएलए, हरेक एमएलए उसके अंदर, हरेक जो भारतीय जनता पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता उसके अंदर लिप्त हैं, और मैं व्यक्तिगत नाम नहीं लेना चाहता, ये सारा मीडिया को पता है, सरकार को पता है, हरेक को पता है। आज मनोहर लाल खट्टर को ईमानदार कहते हैं, मोदी को ईमानदार कहते हैं, इस मोदी को ये नहीं पता भी उसका मंत्री हरियाणा में या और उसके वरिष्ठ नेता भ्रष्टाचार का पूरी तरह लिप्त हो रहे हैं, रोजाना लाखों करोड़ रुपए की इनकम इकट्ठी कर रहे हैं, किस तरह के सवाल उठा रहे हैं, नाम बताइए, नाम बताइए, आप पता नहीं, आपको सबको पता है नारायणगढ़ के अंदर क्या हो रहा है, नारायणगढ़ के अंदर क्या हो रहा है, यमुनानगर के अंदर क्या हो रहा है, वहां के एमएलए क्या कर रहे हैं, और नौकरियों के मामले में नई नौकरियां कोई नहीं दी। आज उद्योग नीति की बात करते थे, उद्योग नीति कहां पे है, आज एक बात भी नहीं की इन्होंने, और नौकरियों की या और किसी बात की, भ्रष्टाचार के अंदर आप इनका ये देखिए, सारा भारतीय जनता पार्टी इसके अंदर लिप्त है, और कोई भी हरियाणा में किसान की ये बात करते हैं, नीलम जी यहीं पे झूठ बोल रही है, अभी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी है, नजदीक भी लगे, स्वामीनाथन की रुपए रोज किसान को देते हैं, ये इससे अच्छा तो मजदूर है जो 300-400 रुपए कमाता है, तो ये उसकी सहायता करने की बात करते हैं किसान। हालांकि चुनाव करीब है, ये एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन सदन की कार्यवाही को देखकर लगता है कि वाकई किसान जो है सरकार की प्राथमिकता में है, जितना जिक्र किया जा रहा है, जो कुछ किया अभी 4.5 साल के अंदर कर रहे हैं। देखो, आपका मानना है कि सरकार की प्राथमिकता में है किसान? अब देखकर लगता है कि जितनी लंबी लिस्ट जो है मंत्रियों के पास भी है, विधायक भी उसी चीज को गिनवा रखे हैं, सीएम की ओर से खुद आज गिनवाया गया कि किसानों के लिए हमने बहुत कुछ किया है, आने वाले दिनों में भी करेंगे। सीएम ने तो ज्योति जी आज ये भी गिनवा दिया कि जम्मू कश्मीर में सरकार बांध बनाने जा रही है, जिसका पानी भी यहां तक आएगा, वो योजना जो अगले 15 साल तक 10 साल तक किसी तरीके से क्रियान्वित नहीं होने वाली है, क्योंकि बहुत लंबा प्रोजेक्ट होता है, उसको चुनावी वर्ष में चुनाव के लिए लोगों को ये संदेश देने के लिए कि हम आपके लिए यहां से लेके वहां तक हर काम कर रहे हैं, ये बांध बनाने का अचानक आइडिया अब अचानक से कहां से आ गया? पाकिस्तान के साथ के पहले टकराव नहीं हुआ है क्या? इसी वक्त पर उसको प्रचारित करना जरूरी है कि वहां पे हरियाणा की विधानसभा में भी आप ये बता रहे हैं, सारे नेता इस बात का प्रचार कर रहे हैं, अरे अगर ये राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय नीति को आपने कोई जवाब देना है इस तरीके से, तो उसको कम से कम यहाँ राजनीतिक रूप से प्रचारित तो मत कीजिए। ज्योतिष आदि ने जानकारी नहीं है इस विषय पर, पिछले 6 महीने से बात चल रही है, एमओयू साइन भी हो चुके हैं और ये प्रक्रिया काफी पहले से चल रही है, इसका आज कोई किसी भी तरह का लिंक नहीं है, आप उसको इस तरह से ना तोड़े। हमारी विल पावर सदन में गिनवाने की क्या नौबत आ गई चुनाव के पास? नेचुरली हम हर चीज गिनवाएंगे,
जो जो कार्य कर रहे हैं हरियाणा विधानसभा ग्राउंड पे तो जनता नहीं है। अगर आप बयान नहीं करेंगे तो कुछ करेंगे कैसे? क्योंकि आने वाले दिनों में अभी भी नहीं लगता कि चीजें प्रोसेस में आ जाएंगी, उनको भी गिनवाया जा रहा है, ये कहना है दीप कमल जी का। एसवाईएल चार साल में चार कदम नहीं चले हैं और जम्मू कश्मीर के डैम को लेकर हरियाणा विधानसभा में जो है वो वहां पर शेखी बगार रहे हैं। एसवाईएल पर क्यों नहीं है? सिर्फ एक मिनट आप मुझे बताइए नीलम जी, अभी बताइए राज्यपाल के अभिभाषण में एसवाईएल पर क्या है? जी आप एक मिनट, आप एक चीज बताएं, आप ये कह रहे थे पिछले साल के भाषण प्लान कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने भी एक बात कही थी कि सपने जो ना आप लोगों ने भी बहुत देखे लेकिन क्रियान्वयन किसका किया। ठीक है, जब भी हम कोई काम अचीव कर लेते हैं तो पिछली सरकारें कहती है ये तो हमारे ईंट पत्थर रखे हुए थे, हमारी ये एसवाईएल के लिए प्रावधान किया जा रहा है लेकिन उसका इस्तेमाल कब किया जाएगा? जितनी जल्दी हमारी सरकार में आके इसका फैसला हुआ है पहले कभी किसी सरकार में हुआ है? और उसके उसके अरे भाई क्यों नहीं हुआ है? और इसके अलावा हमने पानी का माइक्रो इरिगेशन से साउथ हरियाणा में एसवाईएल में भी डिसीजन हमारे पक्ष में ही आएगा, हम उसके लिए बातचीत का रास्ता अपना रहे हैं और ऑलरेडी डिसीजन हमारे हम कहीं नहीं जा रहे, जनता में पूरा विश्वास है। आप लोग जिनके इलेक्शन बुरी तरह से हार चुके हैं और किसी भी आपके पास यहाँ पर इलेक्शन ले मेयर के इलेक्शन वो भी हम जीतते हैं क्योंकि हमारे कार्य जनता को स्वीकार्य है, वो पसंद कर रहे हैं, हमारी साख अच्छी, ईमानदारी पर सब यकीन करते हैं क्योंकि हम इसके बाद पहली बार एक ऐसी सरकार है जो राज्यपाल के अभिभाषण में क्या था तो अब इसके बाद ये बता दीजिए, आपने अपने सारी बातें बता दी, आप बताइए जब एसवाईएल पर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है तो बातचीत का रास्ता अपनाया जा रहा है तो जरूरी। और एक और चीज, आप गवर्नर का अभिभाषण जो 6 से लेके 106 पॉइंट उन्होंने कहा था कि उन्हें पढ़ा हुआ मान लिया जाए, अगर आप उनके 100 पेज के अभिभाषण को पढ़ेंगे कितनी बार उनसे उनको चिट्ठियां लिखी है वो चिट्ठियां सार्वजनिक की जाए, बाकायदा ये पूछा गया है आज। हाँ। और सरकार कोई भी संतोषजनक जवाब उस पर नहीं दे पाई कि हरियाणा सरकार एसवाईएल के लिए कब प्रधानमंत्री के पास गई है, कब हरियाणा का डेलीगेशन लेकर गई है कि एसवाईएल को बनवाइए हमारे पक्ष में। ये राष्ट्रीय दल इसी तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, पंजाब में लोगों को नाराज नहीं करना चाहते इसलिए हरियाणा में एसवाईएल बनाने की बात करते हैं, हरियाणा के लोगों को नाराज नहीं करना चाहते इसलिए पंजाब में कुछ और बोल देते हैं जाकर, यही लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। हमारे कभी दोनों राज्यों में स्टेटमेंट्स अलग नहीं हुई, ये कांग्रेस की रणनीति रही है और वो करते हैं। हम हरियाणा के नवंबर 2016 में जब फैसला आता है किसकी सरकार थी पंजाब में? जी देखिए जो एसवाईएल का मुद्दा है हरियाणा पंजाब में हमेशा से अकालियों के साथ आप लोगों की सरकार थी। हाँ देखिए उस वक्त सुखबीर बादल कहते हैं कि खून बहा देंगे लेकिन पानी हरियाणा को नहीं देंगे, आप पंजाब के किसान भी हमारे ही हैं, हरियाणा के किसान भी हमारे ही हैं, जमीनें अधिग्रहित जमीनें वापस करनी जाती है पंजाब में, बीजेपी समर्थित सरकार पंजाब में जमीनें वापस, ये जो केस का डिसीजन है ये हमारे ही कोशिशों से हुआ है, हमारे ही कोशिशों इनको चेक लौटा दिया गया, ये कुछ नहीं कर पाए जी। देखिए 30 साल पहले हरियाणा ने चेक दिया था वो चेक लौटा दिया पंजाब ने, ये ऐतिहासिक काम इनके रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा, इनके कार्यकाल में हुए हैं जो डिसीजन हमारे पक्ष में हुआ वो भी हमारी कोशिशों से और हमारे ही समय में हुआ था जो पहले कभी किसी सरकार से नहीं हुआ था। और आप एक चीज देखिए पंजाब के किसान भी हमारे हैं, हरियाणा के किसान भी हमारे हैं, और एसवाईएल बंद करी थी वो भी आपके उसमें हुआ है, कभी भी किसी किसान को पानी की किसी भी तरह से कमी नहीं होने दी जाती। एक मिनट एक मिनट, सरस्वती पर हर एक पेड़ पर पानी आगे बढ़ रहा है, हालांकि उसमें कैंची रिपोर्ट का हवाला दिया गया दादूपुर नलवी नहर को लेकर। अभी आगे बढ़ेंगे हम, भाटीवाल जी आपसे सवाल सर, किसानों को पेंशन भी हम देंगे, इस बात की भी जिक्र किया गया इसका भी सदन में और बार बार ये कही जाने की कोशिश है कि देखिए ऐतिहासिक काम किया है किसानों के लिए हमने, क्या ये चुनावी फैक्टर है किसी तरह का? ज्योति जी, बीजेपी की सरकार के पास जो है सिवाय लफ्जबाजी के, इवेंट मैनेजमेंट के कुछ भी नहीं है। सुबह से शाम तक ये झूठ बोलने में इतने मास्टर हैं कि जितनी मर्जी झूठ बुलवा लो। इन लोगों ने जो है किसान के लिए आज तक किया क्या है? जो लोग जो है किसान की जिन्स की पेमेंट नहीं कर सकती जो सरकार, वो इससे फालतू मतलब और क्या जो है मतलब करेगी? 700 करोड़ रुपया जो है आज भी गन्ना किसान का गन्ने का की पेमेंट जो है सरकार नहीं दे पाई है, और वो जो है वाह वाह लूटने की बात कर रही है। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को जो किसान के हित की बात कर रही है, किसान की पेमेंट जो तक नहीं दे रही है, और क्या कह रहे हैं कि किसान का पैसा जो है उसके खाते में चला गया, उसको खाता देखे उसे, अरे तुम्हें जो है शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते हुए, किसान की कमर तोड़ दी। और वैकेंसी की जहाँ तक बात है ज्योति जी, जो सरकार वैकेंसी जो जितनी है आज सरकार के पास वो नहीं भर पाई, 2 लाख वैकेंसी वो कहाँ से नौकरियां देगी? जिस तरह से सैनी साहब ने कहा है
कि भाई नई क्रिएट क्या कौन सी की, एडिशनल क्या जो है वैकेंसी रोजगार के वो अवसर जो है पैदा की सरकार ने, जो थे वो तो दे नहीं पाई, भर नहीं पाई। बीसी का बैकलॉग ये नहीं भर पाई, एससी का नहीं भर पाई, जनरल का बैकलॉग जो है आज भी पड़ा है वो नहीं भर पाई। जो सरकार जो वैकेंसी नहीं भर पा रही है वो एडिशनल वो देगी क्या नौकरियां? रही बात इसके अलावा जो है, मैं इसकी बात करूं जो है व्यापारी की, व्यापारियों की इन्होंने कमर तोड़ दी। ये सरकार केवल और केवल पूंजीपतियों के हित की रखवाली करती है, इसके सिवाय इसके लिए जो है चाहे शोषित वर्ग हो, चाहे वंचित वर्ग हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो छोटा, सबको जो है ये बरगलाती है, उनको जो है सोसेबाजी करती है, झूठ पर ये इनके राजनीति चल रही है। झूठ के अलावा कुछ इनके पास लेने देने को है नहीं, आज ये वायदे करेंगे। नीलम जी काउंटर करेंगे। देखिए हमारी आयुष्मान योजना कौन से पूंजीपति के लिए है, हमारी उज्ज्वला योजना वो कौन से पूंजीपति के लिए है, इंद्रधनुष योजना जिसमें टीकाकरण होता है, किसने लोगों को बेनिफिट होता है, आप वही देखिए 40% से ज्यादा जो हमारे गरीब लोग हैं उनको इसका फायदा पहुंचे। एक मिनट, सरकार के पास सिर्फ स्कीम बनाने की बात है, वो स्कीम धरातल पर कभी भी जो है कोई स्कीम पूरी नहीं। किसानों का गन्ना, गन्ने का पैसा क्यों नहीं दिलवाते उसी योजना में? गन्ने का पैसा 700 करोड़ रुपया वही दिलवा दो ना आप लोग जो है। एक सेकंड, आप सवाल दर सवाल लें, आपकी हर चीज का जवाब है। तो पहली बात तो ये कि इनका अचीवमेंट पर क्या बताते हैं, एलईडी बल्ब लगा दिए हमने जो है रोटी बता, एलईडी बल्ब लगाना भी जो है ये विकास की बात करते हैं। जवाब दे रही हूं जी। जी देखिए हमारी जो सरकार है वो अंतिम व्यक्ति, जो गरीब से गरीब व्यक्ति जिसको कि हमारी पिछली सरकारों ने बना रखा था, उसका उत्थान करेगा, उसका ईज ऑफ लिविंग जो है उसको बात करेंगे, उसके लिए करेंगे कुछ नहीं उसके लिए। अरे भाई मैंने वहीं से शुरुआत की, आयुष्मान योजना हमारी आप एक बेहतरीन योजना है जिसे कि WHO ने भी रिकॉग्नाइज किया है। इतने बड़े लार्ज स्केल पर एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का जो बीमा योजना, आप उसके देखिए, क्योंकि अब एक गरीब से गरीब आदमी भी जो है वो अस्पताल जाता है, उसको पता है जब वो बीमार होगा तो पैसा देने के लिए कोई और है। इसका एक और रिवोल्यूशनरी इफेक्ट जो है जो हेल्थ सेक्टर में आ रहा है कि बड़े से बड़े अस्पताल जो है वो अपनी ब्रांचेस रूरल एरिया के आसपास खोलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उन्हें वहां से पेशेंट आएंगे और वहां से उनको पैसा भी जरूर मिलेगा। जब इस तरह की इंश्योरिटी हो जाती है तो हेल्थ सर्विसेज हर उस आदमी तक अच्छे से अच्छी, बड़े अस्पताल उस आदमी तक पहुंचते हैं जो दूर दराज के इलाकों में रहता, अभी कोई अस्पताल वहां बनाना नहीं चाहता था। तो हेल्थ सेक्टर में ये जो हमारे एक रिवोल्यूशनरी स्टेप है आयुष्मान, ये आम आदमी के लिए है, ताकि हर तो देखो ये सरकारी हॉस्पिटलों की जहां तक बात, आज की डेट में देखिए हमारे जो डिस्ट्रिक्ट पे हेडक्वार्टर्स है, सिविल हॉस्पिटल है, उनमें हीमोडायलिसिस की सुविधा है, आप सिर्फ अनिल विज जी का बड़ा कैंट का हॉस्पिटल छोड़ के उसके बाद हरियाणा की बात देखिए ना, का भी देख लिया, पंचकुला का देख लिया, आप नारायणगढ़ की बात किए, वहां पे डॉक्टर भी नहीं और उसको पहले स्वाय ट्रांसफर 4 साल की जो किसी भी सरकार से आप कंपेयर कर ले, हर कोई ये कहता है कि आज हम बेटर हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और आज इस वक्त हमारे 4-5 जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो मेडिकल तीसरा दिन आज है, हालांकि अभी भी कार्रवाई की जा रही है, क्या लगता है कि जनता के लिए कुछ फ्रूटफुल हो पाया है अभी तक, मुद्दे उठाए गए जनता के? देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो है जो काम किए हैं वो थोड़े से कॉस्मेटिक ज्यादा दिखाई देते हैं। कॉस्मेटिक का मतलब ऊपरी तौर पर, जो होलिस्टिक चेंज होने चाहिए थे वो इस लेवल पर अभी आ नहीं पाए। किसानों को मदद, किसान पेंशन, किसानों को 6,000 रुपये, ये कॉस्मेटिक है। अच्छा। तो ये दिखाई दे रहा है कि हल्की फुल्की मदद दे के किसी तरह से किसानों को अपने साथ रखा जाए, क्योंकि किसानों किसान बहुत आंदोलित थे, बड़े लेवल पर राष्ट्रीय लेवल पर आंदोलन चल रहे थे और कर्ज माफी का भी अभियान चला। तो ये कर्ज माफी में मुझे लगता है कि कांग्रेस के कंपटीशन में ये साबित करना चाहते हैं कि हम तो कर्ज माफी के बगैर ही किसानों को अपने साथ रखेंगे और उनका भला करने में हम सक्षम हैं। तो इस तरह का ये इनका रुख दिखाई देता है। अब वो हेल्थ के क्षेत्र की बात भी है तो वहाँ डॉक्टरों की बड़ी कमी है, उस मामले में भी कोई बहुत भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ नहीं कर पाई। एजुकेशन में भी बड़े पद खाली हैं। तो ये सब लग रहा है कि कुछ करने का प्रयास किया गया है, बट वो उस कॉस्मेटिक चेंज है, वो तो हॉलिस्टिक चेंज नहीं है, जो व्यापक रूप से चेंज कर देता है, पूरा जो आमूलचूल परिवर्तन करता है, वैसा कुछ नहीं दिखाई देता। हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात करते हैं तो दिल्ली सरकार ने लागू कर दी, अब लोग उसको मॉडल के रूप में, कांग्रेस भी उसका जिक्र कर रही है कि दिल्ली में जो है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो गई। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का जो सबसे अहम मुद्दा है वो है कि लागत का डेढ़ गुना देना है, वो उस पर नहीं आ पाए। ये कर रहे हैं कि भाई हमने ये कर दिया, वो उनके उत्पादन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो आखिर में
वो जो चीज है वो आज की पॉलिटिक्स में जो सेंट्रलाइज मुद्दा है वो है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार समर्थन मूल्य देना, वो नहीं हो पाया। तो ये इस तरह से तो इनका जो है रिपोर्ट कार्ड अभी थोड़ा वीक है, लेकिन ये है कि माना जा सकता है कि कुछ किया है। ठीक है, चलिए एक ब्रेक के लिए रुक लेते हैं, ब्रेक के उस पार चर्चा को जारी रखेंगे। छोटा सा ब्रेक। दीप कौल जी, कितनी उम्मीदें की जाए इस बजट से? देखिए ज्योति, ये उम्मीद नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसा अवसर बना दिया है जैसे हमने आम बजट केंद्र का देखा, क्योंकि ये जो अंतरिम बजट होता है ये इसलिए होता है कि जब तक चुनाव पूरे संपन्न हो और अगली सरकार बने तब तक के लिए आप जो सरकार के जरूरी खर्चे हैं, जहां पर सैलरीज हैं, पेंशन हैं या विभागों के खर्चे हैं, उतने तक के लिए आप सदन की मंजूरी ले लीजिए। और ये आप अगर कहीं सरकारी जो वेबसाइट है उन पर भी देखेंगे, अगर विकिपीडिया पर देखेंगे, वहां पर आपको ये स्पष्ट दिखेगा। स्पेशल मैं आपको लाइन बता रहा हूं कि अंतरिम बजट में, इंटरिम बजट में सरकारें कोई भी ऐसे फैसले, खासतौर से टैक्स स्लैब से जुड़े हुए या और घोषणाएं लेने से हमेशा बचती रही हैं। ये कोई रूल लिखा हुआ नहीं कि आपको ये सब करना ही नहीं है, लेकिन हमेशा से ये ऐसा रहा है कि आप नहीं करते सब। लेकिन इस सरकार ने खास तौर से वो चीजें की हैं जो पिछले अपने 3-4 बजट में नहीं की, लेकिन इस साल इन्होंने जैसे किसानों के लिए जो ये पेंशन की बात है और बजट स्लैब में जो खासतौर से केंद्र में चेंज किया है, ये यानी कि इन्होंने चुनावी वर्ष में जो अधिकतम स्लैब में चेंज नहीं किया, सरकार ने कहा कि हमने राहत दी। हाँ, उन्होंने जो राहत दी, उन्होंने जो राहत दी है, उन्होंने जो छूट बढ़ा दी है, वो भी उसके अंदर भी एक गोल है कि आप स्लैब चेंज करने में दिक्कत क्या थी, आपने लोगों को सिर्फ फौरी तौर पर राहत देनी है। ये हो सकता है कि अगले साल में ये वापस ले ली जाए, अगर स्लैब बदल लेते तो उसको वापस लेना आसान नहीं होता फिर। तो ये लोगों को, जैसे थोड़ी देर पहले जादौन जी कह रहे थे कि ये कॉस्मेटिक ज्यादा, ये ऐसी चीजें, ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं जो दिखे, जो एकदम से लोगों को नजर आए कि उनको तो फायदा दिया जा रहा है। हाँ। उनको तो बजट में उसमें कर में छूट दी जा रही है, उनको तो पेंशन दी जा रही है, उनको तो घर में पैसा आ रहा है, ये सीधे सीधे उनको दिखाने की कोशिश हो रही है। वो आत्मनिर्भर बने, जो हमारी व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, जो ढांचा है, जो लोगों का जीवन यापन का जो भी व्यापार है वो मजबूत बने, उस पर ध्यान नहीं है। ये लोगों को फौरी तौर पर कोई मदद देने पर यकीन करते हैं। मुझे लगता है हरियाणा का जो बजट आएगा उसके अंदर भी आपको ऐसी चीजें जरूर देखने को मिलेगी जिससे लोग प्रभावित हों। और जैसा कि जींद के चुनाव में इन्होंने किया, इस तरीके की घोषणाएं कर दी 2 दिन पहले जिससे सरपंच प्रभावित हो, गांव के लोग प्रभावित हो, ऐसा ही कुछ ना कुछ आपको चुनाव को प्रभावित करने की कोशिशें करेंगे आप। और केंद्र में जो अंतरिम बजट पेश किया गया उसका उदाहरण दिया गया जी, जो इस बार का जो केंद्र का जो इंटरिम बजट था वो एक इंटरिम बजट भी अपने आप में एक फुल बजट की एक रूपरेखा ही होती है। सरकार के पास 50 दिन की सरकार है, 30 दिन अप्रैल के और 20 दिन मई के, 50 दिन की सरकार है आपके पास केंद्र में। नई सरकार जो बनेगी उस पर अपने आप पे दबाव है, 50 दिन की सरकार आपके पास है और आप सरकार अपने तरीके से दिलाएगी। जो एक शब्द का इस्तेमाल हुआ, कॉस्मेटिक चेंजेस, ठीक है। और शायद दीप कमल जी खुश नहीं है कि 5 लाख की जो कर की जो राहत मिली है उसे ये खुश नहीं है, क्योंकि वो सीधा जो है वो लोगों को फायदा पहुंचता है। किसानों के लिए घोषणा क्यों की, वो भी इन्हें बुरी लग रही है। हमारे जो अच्छे काम होते हैं उसमें इन्हें कमियां नजर आती हैं। चुनाव से 10 दिन के लिए ये आपने दिया है, पूरे 5 साल से चुनाव से पहले किया गया, चुनाव से पहले केवल एक किस्त दी जाएगी 2000 रुपए की, 2000 रुपए किसानों के खाते में आएंगे, उसके बाद आप लोग चुनाव में चले जाएंगे। तो ये पहल तो पहले भी शुरू कर सकते थे ना आप लोग, जब आप बजट पेश किए जाने के मौके पे आप लोगों के पास अंतरिम बजट में आखिरी समय में पहला कदम उठाती है शाबाशी दी किसानों को पेंशन देने की बात इन्होंने बैक डेट से की है। आपको बुरी क्यों लगती है? आपको तो इसकी प्रशंसा ही करनी चाहिए। बात यही है ना, बात यही है कि चुनाव से ठीक पहले, चुनाव से ठीक पहले, ये बात हमने ये कहा कि चुनाव से ठीक पहले, चुनाव से तो हर बजट में कोई घोषणा होती है और वो सीधे सीधे जनता को प्रभावित करने के लिए वोट ये तो सरकारी वोट खरीदने का तरीका हो गया। हम ही आ रहे हैं, देखिए हमारी जो अच्छी चीजें जो नजर आती है वो इन्हें पसंद नहीं आती, जो इन्हें नजर एकदम से आते हैं उसको कोई कॉस्मेटिक कहते हैं। और बहुत सारी योजनाएं जो होते हैं, एक जेस्टेशन पीरियड होता है जब वो सब सरफेस पे आके नजर आने शुरू होते हैं, जैसे आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना, अब वो नजर आते हैं कि हाँ लोगों को थोड़ी सी राहत मिल रही है। तो हर एक चीज का असर दिखने में एक वक्त लगता है, हर चीज जो है एकदम से नजर नहीं आती। जो चीज एकदम से नजर आई, एकदम से इन्होंने उंगली उठा दी कि आपने ये क्यों कर दिया, क्यों हम किसानों के लिए कुछ ना करें, हम अपनी जनता के लिए कुछ ना करें। तो जहां आप अच्छे काम करते हैं
हैं पूरे कर लेंगे, चुनाव में जाएंगे उस वक्त किसानों के लिए करेंगे। अगर आपको लगता है कि बड़ा कदम है, अभी बड़ा कदम है, और जो डिसीजन एक बार लिया जाता है अगर पहले भी सरकार जितना बेवकूफ किसान को समझ रहे हैं ये उतना नहीं है। अरे भाई आप क्या बच्चे की पैदावार दो महीने के लिए 500 रुपए आप दे रहे हो, एक समय होता है हर चीज के लिए, बजट देखा था, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स दोनों को साथ में लेकर चलना होता है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पॉलिटिक्स करते हो, देश की इकोनॉमिक्स को खराब तब माना जाता है, शुरुआत में करते हैं सरकार करते ही आप लेकर चलते हैं। जैसे जैसे हमारे जो टैक्स पेयर्स की संख्या है वो बढ़ रही है, सरकार की इनकम बढ़ रही है, और जो ईमानदारी से जो हमारी बचत भी हो रही है उसके साथ साथ हम सारी सुविधाएं अपनी जनता को दे रहे हैं, इसलिए हमारी नंबर ऑफ योजनाएं भी बढ़ रही है। इसे मौका कह लीजिए या फिर कह लीजिए कि चुनाव चूंकि करीब है तो बीजेपी को फायदा तो होगा बजट का, अगर कर्मचारियों को राहत देती है, किसानों को किसी तरह की राहत देती है सरकार। नहीं, राहत देने को किसी को ऐतराज नहीं है, मेरे ख्याल में होना भी नहीं चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से ये कर रहे हैं, जिस तरह से ये कह रहे हैं जी, आयुष्मान स्कीम की बात की इन्होंने, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की बात की, प्राइवेट हॉस्पिटलों में इन्होंने कहा स्वामीनाथन आयुष्मान स्कीम में प्राइवेट हॉस्पिटल को भी अनलिस्ट किया गया है, उसको लाभ हुआ और साथ में सुनिए मेरी बात, इंश्योरेंस कंपनी की बात की, जो फसल बीमा योजना की, ये सारे जो मुद्दे हैं सिवाय 4 साल और 4.5 साल के बाद इनको दिखाई दिए, जब इनकी मैनिफेस्टो में सारी चीज लिखी हुई थी। मेरी बात सुन लो, अब मेरी बात सुन लो, अब आपकी आदत गंदी ये है कि विजन उसके ऊपर कितना हो रहा है, आप जाके किसान से पूछो, आपकी प्रॉब्लम ये है कि सुनेंगे ताकि एक्चुअली चुनाव जीतना। अरे भैया मैं भी तो कह रहा हूँ, अब मैं भी तो कह रहा हूँ कि जो आपने की उसको कोई गलत नहीं कहेगा, अच्छी बात है कर दी, लेकिन ऐसा है जो कमर तोड़ के किसानों की, जैसे स्वामीनाथन रिपोर्ट की मैं बात करता हूँ, वो 4.5 साल तक उनको इतना कर्जे तले दबा दिया और ये थोड़े से लॉलीपॉप दे रहे हैं इलेक्शन के लिए, इलेक्शन के लिए। आप पिछले पूरे 15-20 साल का रिकॉर्ड उठा के देखिए किसानों के ऊपर कितना चर्चा था। आप देखिए, मेरी बात सुनो, आप देखिए, आप सुन ले, फिर आप बाद में जवाब दे दें, आप बाद में जवाब दे, आप सुन ले, हर चीज ये नहीं कि आप प्रॉब्लम क्या है, आप चुप रहना सीखे थोड़ा सा, ये डिबेट के मायने होते हैं, डिबेट का आप ही सही है, बाकी सब सब कुछ ठीक है, हद होगी आपकी, आप बात सुना करें, बात को सुनकर फिर जवाब दें ताकि 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 जो ऑडियंस है वो सुने। आप भी सही तरीके से रखें, मैं भी बिना तैयारी के नहीं आती। नीलम जी प्लीज, तैयारी आपकी जो है ना सारी वो टेप है, टेप के सिवाय आपके पास टेप नहीं है, नहीं आपको डायनामिक बात नहीं करते, आप जो असली मुद्दा था उसको आपको ट्विस्ट करते हो, आपके पास कोई मुद्दा नहीं, कुछ नहीं है, मुद्दा क्यों नहीं है, आप बताइए, आप किस तरह से आप सारी योजनाओं की बात कर रहे, आप उसका पैसा दिलवाओ ना, करना है आपको, बुरा क्यों लगता है कि जो चीज जो चीज है वो मतलब नहीं है, ये कोई डिबेट नहीं है, जो चीज नीलम जी आप सुनेंगे क्या है, ये कोई डिबेट नहीं है, आप टेप जैसा कोई कमेंट नहीं करेंगे, नीलम जी आप सुनेंगे, आप सुनेंगे, आप अपने समय में बोलिएगा, धैर्य रखिए, ये कोई बात थोड़ी है, धैर्य रखिए, आप सुनिए प्लीज। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, मैंने पहले ये कहा, जितनी भी सारी चीजें कर रहे हैं सिर्फ ये चुनाव के मद्देनजर आके कर रहे हैं, जब इनकी मैनिफेस्टो में था सारी बातें थी, SYL की बात करते हैं कि हमने पूरा कर दिया जी, अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद इनका एक भी कंस्ट्रक्टिव स्टेप हो उसको इंप्लीमेंट करने में, ये एक एक भी बता दे, इवन गवर्नर एड्रेस में, इवन गवर्नर एड्रेस में, इवन गवर्नर एड्रेस में ये लिखा है वी आर कमिटेड, कमिटेड का क्या मतलब हुआ, 2.25 साल गुजर गए, उस कमिटमेंट का क्या मायने हुआ जब ग्राउंड पे कुछ नहीं है। और इसी प्रकार से सारी स्कीमें, ये आयुष्मान स्कीम की जो बार बार बात कर रहे हैं, इसके तो रिजल्ट 2 साल बाद 1.5 साल बाद कहीं दिखाई देगा, और उसका भी मैं आपको बात बता दूं, ये जो जितनी भी दिखावाबाजी है इसका कोई ग्राउंड पर कोई अभी तक कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है। और स्कूलों की बात करो, सुन लो मेरी बात, स्कूलों की बात करें, एजुकेशन के गुणात्मक सुधार की बात हमेशा करते रहे, लेकिन अभी भी वहां को 15,000 से ज्यादा टीचर की वैकेंसी खाली है, और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, हेडमास्टर और प्रिंसिपल के लगभग 1500 वैकेंसी खाली है, जिस इंस्टीट्यूशन में हेड नहीं है वो वहां पे क्या गुणात्मक सुधार की आप अपेक्षा कर सकते हैं। जितनी भी बातें करते हैं सारी कागजी बातें हैं, ग्राउंड पे कुछ नहीं। कल एक दूसरे चैनल पे इनके प्रवक्ता जेटली जी कह रहे थे वो पाकिस्तान का पानी रोक दिया, अब SYL की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना पानी यहाँ हरियाणा में हो जाएगा। इतना मजाक करते हैं किसानों के साथ, जो इतना सीरियस मुद्दे हैं हरियाणा के लिए, जीवन रेखा है, ये इस तरह की बात करते हैं। क्या कच्चे कर्मचारियों को लेकर भी सरकार को कुछ करना चाहिए या फिर सरकार कर सकती है चुनाव से पहले बजट के जरिए? बिल्कुल करना चाहिए था, सरकार की ड्यूटी थी, सरकार जब लोगों ने चुना था तो इसीलिए चुना था भी ये कुछ करें। और जैसा कि अभी सैनी साहब ने बताया भी कितनी पोस्टें खाली पड़ी हैं, ये एक भी बात कुछ करके तो दिखाएं, खाली एक रूटीन वर्क को अपने उसमें एक वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे किसी वर्ग की बात है। आज हरियाणा का कर्मचारी वर्ग भी कितना परेशान है, कितना वो है, वो आज सड़कों पर रोजाना आप देख ही रहे हैं, बेरोजगारी के अंदर कितना बेरोजगार युवा हरियाणा में भटक रहा है।
इनके ऊपर कोई असर नहीं, किसी भी तरह का कोई असर नहीं है। और एक भी मुद्दा, चाहे वो किसान का है, मजदूर का है, बेरोजगारी का है और दूसरे और भ्रष्टाचार के हैं, महंगाई के, किसी भी मुद्दे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी खरी नहीं उतरी, सवाय एक ढोल की लेके ढोल बजा रहे हैं, बस हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, सिर्फ कागजों में है, ग्राउंड के ऊपर कोई इनका काम नहीं है किसी तरह का, सब लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। भाटीवाल जी, हालांकि कच्चे कर्मचारियों को लेकर, गैस टीचर्स को लेकर कानूनी पेंच भी है, लेकिन क्या लगता है कि अब चुनाव करीब है और सरकार पर दबाव रखेगा इन लोगों को लेकर? ऐसा ज्योति जी, ये जो सरकार है भाजपा की, इससे किसी भी तरह की किसी वर्ग को जो है उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जिसका मंत्री शिक्षा मंत्री ये कह रहा था पहली कलम से जो है आते ही जो है मैं काम करूंगा, वो कलम जो है आज तक तो चली नहीं। पक्के कच्चे कर्मचारियों को क्या ये रेगुलर करेंगे? ये सरकार क्या करती है, आपस में बांटना, एक वर्ग को दूसरे वर्ग से लड़ा दो, किसान को व्यापारी से लड़ा दो, SC BC को दूसरे से लड़ा दो। मैं एक थोड़ी सी मिसाल देता हूँ भाटीवाल जी, इसमें आप इनकी मदद करते हो? नहीं नहीं, हम मदद नहीं करते। ऐसी बंदूक चलाई है जिसने, जिसको हरियाणा हमेशा भुगतेगा। आपके नेता ने इतना हरियाणा का जो सर्वनाश किया है, जो लोग देव कमल जी, नहीं ये आप उससे बच नहीं सकते। आप बीजेपी पार्टी पर आएगा, आपकी पार्टी पर आएगा ये जो है। नहीं नहीं, अब ये हरियाणा जलाने वाले, हरियाणा जलाने वाले, आप उनके हरियाणा जलाने वाले जो, अरे हरियाणा जलाने वाले कौन लोग हैं, जलवाने वाले कौन लोग हैं, ये सबको पता है। ये बीजेपी क्या करती है, 8 लाख की बात रखती है, जिस तरह जो है ये उसको दिया ना रिजर्वेशन वाली, वहां 8 लाख की शर्त रखी है, यहाँ 6 लाख की है। भाई ये आपस में लड़ते रहे, इनका ध्यान बटा दो। दूसरा ये क्या करती है कि गरीब भी हटाने की बजाय गरीब को ही हटा दो, उस नीति पर चलती है। पानी, एक मेरे को उस समय याद आ रहा है, हम छोटे थे, मणिराम बागड़ी जी, ये बना था आपका जो है भाखड़ा डैम, उन्होंने एक बात इस बात पर इलेक्शन जीत लिया था, कहने लगे अरे किसानों बोलो तुम्हारे को तो बिजली जो है ये फोकी मिली है, इसमें से तो बिजली निकाल ली और लोगों को पता नहीं पानी वो मिला है कि बिजली निकाल ली, इस पानी में तो ताकत ही नहीं है। बीजेपी आज भी ये सोचती है कि वो दौर जो है अभी भी है, आज जो है वोटर इनकी हर बात को, हर चाल को समझता है कि ये क्या करने जा रहे हैं। जिस तरह से दीप कमल जी ने इनकम टैक्स वाली 5 लाख की बात करी, क्या इनकम टैक्स पे ही को पता नहीं है कि ये किस तरह से जो है ये बेवकूफ बनाने की बात कर रहे हैं? 1 रुपया फालतू हो जाएगा तो उसको जो है टैक्स तो 5 लाख तक देना, पांच लाख तक वालों को, पांच तक वालों को ही ना, क्यों ना स्लैब सिस्टम बना दिया जाए? दूसरा और नहीं, वो उसमें देखिए उसमें कोई इफेक्ट बट नहीं। अगर हरियाणा का भी बताना चाहूंगा कि इनके लिए चुनावी साल कितना महत्वपूर्ण, ये सिर्फ जो है लोग लुभावना बजट पेश करेंगे और धरातल पर कुछ नहीं होगा, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगी। इनको पता है कि आने वाली सरकार अपना, मैं तीन उदाहरण देता हूं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें संसद और विधानसभा को अपने चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। पहला तो जिसका जिक्र अभी कर रहे थे, उसके अंदर उन्होंने स्लैब चेंज नहीं की, उसके अंदर उन्होंने ये कह दिया कि यहां तक का जो टैक्स लगेगा वो हम माफ कर देंगे, ये फौरी तौर पर है, ये अगले साल ही वापस हो सकती है, यूं कि यूं, यानी कि चुनावी साल में रिश्वत दे दो जो करदाता है उसको, टैक्स पेयर को, और बाद में देखी जाएगी, उनको लालच में रखो। दूसरी बात, राज्यपाल थीसिस भी हो सकता है, तो आप स्लैब चेंज कर देते ना, वो क्यों नहीं की, वो क्यों नहीं की, जो किया है आपसे कुछ नहीं है, आंखों में धूल झोंकने की बात है, स्लैब चेंज करना चाहिए था, अगर करना चाहते तो स्लैब चेंज करना चाहिए था। कहता है कि आप सिर्फ चुनावी साल में लोगों को बहला, कुछ भी नहीं दिया है, ऐसे बचाना चाहिए, चुनावी साल के जो वादे होते हैं आपको याद होगा कांग्रेस की सरकार कैसे बड़े बड़े वादे करके गई थी, दूसरा मैं आपको बताता हूँ, राज्यपाल हरियाणा विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण में, और ये मुद्दा भी उठा वहां पर कि उन्होंने अपने जो कि, क्योंकि वो सरकार के मुखिया होते हैं राज्यपाल, उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता, चुनाव से कोई लेना देना नहीं होता, राज्यपाल के अभिभाषण में ये बात डाल रहे हैं कि हमने जींद का उपचुनाव जीता है, ये आप राज्यपाल के मुंह से कहलवा रहे हैं, राज्यपाल जो है अपनी सरकार की सारी अचीवमेंट्स बता। तीसरा मैं आपको बताता हूं, तीसरा मैं आपको ये पार्टी के अचीवमेंट है या प्रेसिडेंट भी राज्य काम की बात तो सुनिए, प्रेसिडेंट भी उसी प्रकार से जो नीलम जी, नीलम जी तीसरा सुन लीजिए, आप तीसरा सुन लीजिए, ये सरकार की तीसरा राज्यपाल के अभिभाषण में डाल दिया। तीसरा मैं आपको बता रहा हूँ, वो या तो अभी शाम को पेश हो गया होगा, नहीं तो कल पेश, सोमवार को पेश होगा, 1 साल हो गया NCR में
ट्रैक्टरों को जो 10 साल तक के डीजल वाहन थे कि 10 साल से ज्यादा नहीं चलेंगे, अब तक किसान उसको भुगत रहे हैं। हरियाणा सरकार को अब तक सुध नहीं आई थी, कानून नहीं बनाने की फुर्सत नहीं मिली। अब आज या तो शाम को पेश हो गया या सोमवार को पेश होगा ये कानून ला रहे हैं कि एक साल तक एनसीआर में जो 10 साल पुराने डीजल ट्रैक्टर है उनको राहत दी जाएगी, एक साल तक इलेक्शन। और ये मैं शर्तें बता रहा हूँ, बिल की कॉपी है मेरे पास, पेश करने वाले एक साल। देखिए पहली बात तो ये कि आज की डेट में हम जो भी करते हैं ना, जो हमने पहले ही 4 साल किया वो इनको नजर नहीं आएगा, जो भी कहेंगे कहते हैं कि चुनाव को सामने रखा के किया है। और दो सवाल ये आते हैं कि जितना भी कर देंगे उससे ज्यादा क्यों नहीं किया, या फिर दूसरा सवाल साल में तो किया ही नहीं, 4 साल में क्या किया। एक मिनट मैं जब भी बोलती हूं शुरू हो जाते हैं। फिर दूसरा सवाल ये होता है कि आप जब भी आए शुरू से क्यों नहीं किया, अभी क्यों कर रहे हैं। देखिए हमें भी मालूम है, आप भी जानते हैं चुनावी वर्ष है और नेचुरली हमारी जितनी भी उपलब्धियां हैं उसको गिनाते हैं, ये घमंड नहीं है। लेकिन जो हमारे जो अचीवमेंट है हमने उसके लिए मेहनत भी की है, उसके लिए सबने ईमानदारी से काम किया है और उसे हम अपनी जनता के सामने हम अपनी कमियां भी बताते हैं, जो काम रह जाते हैं वो भी गिनवाते हैं और उसके लिए सेट टारगेट भी रखते हैं कि हम इस काम को तब तक अचीव कर लेंगे। एक मिनट, और जहाँ तक गन्ना उसका भी जो है आज मुख्यमंत्री जी ने भी जवाब दिया है कि पिछले वर्ष तक कोई बकाया नहीं है, इस वर्ष तक का जितना है करीबन 231 करोड़ रुपए के आसपास, 700 करोड़ रुपए बकाया है। सदन में मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है, सदन में भी 700 करोड़ रुपए, सदन में आंकड़े आंकड़े बनाना तो बीजेपी का काम है। 700 करोड़ केस चल रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री जेल में जा रहे हैं। अब जो हमारे मुख्यमंत्री ईमानदारी से काम कर रहे हैं वो आपको झूठे नजर आते हैं। आप लोगों के पास मुद्दों की कमी है, आपके सारे मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, सारे अवैध खनन के अंदर सरेआम, सारी रात देखो जाके हजार हजार ट्रक वहाँ माइनिंग कर रहे हैं। आपको बोलने के लिए कुछ नहीं मिला और उसके लिए ही हमारी जो भी चीज इवन अभी बजट भी आने वाला है और एक हम एक बेहतर बजट की उम्मीद भी कर रहे हैं अपनी सरकार से। अब आप देखिए उसके बाद इनका क्या हाल होगा। जादव साहब, ज्यादातर संभावना यही लगती है कि लोक लुभावन ही बजट रखेगा हरियाणा के लिए। देखिए आज मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा कि हम जीत कर भी विनम्र हैं और आप हार कर भी जो है आपका जो है क्या कहते हैं अकड़ है और ये जो भी है, तो मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी बेहतर होता कि जिस तरह का उन्होंने एक जो है आदर्श वाक्य जो है व्यक्त किया वहाँ, एक आदर्श वाक्य ये भी व्यक्त करते कि हम जो है बड़ा चढ़ाकर चुनावी वादे नहीं करते और जो करते हैं वो लागू करते हैं। सवाल ये सरकार की आलोचना ये है कि चुनावी वादे जो चुनावी एजेंडा था उसके अनुसार कितना काम किया, अगर देखा जाए तो फिर बहुत पीछे चल रही गाड़ी, ये समझने की बात है। और अब जो किया जा रहा है निश्चित तौर पर ये चुनावी पॉलिटिक्स में होता ही है, हम इसके भी इनकार नहीं कर सकते कि जिसको भी चुनाव मैदान में जाना है चुनाव लड़ना है तो वो किसी ना किसी तरह के इस तरह के एजेंडे को लेकर आएगा जिससे कि वोटर आकर्षित हो और चुनाव जीतने का मौका मिले। तो ये लोक लुभावन तो जो ईयर एंड है वो लगता है कि सरकार जो है जैसे वो एक परीक्षार्थी नहीं करता है कि टेक्स्ट बुक छोड़ के वन वीक सीरीज पढ़ना शुरू कर देता है, तो सरकार अभी वन वीक सीरीज पर है। वो वन वीक सीरीज पढ़ रही है कि किसी तरह से काम निपटा के और चुनाव की परीक्षा पूरी कर ली जाए, तो ये स्थिति है। देखिए बजट पे बात चल रही थी, मैं एक ही बात कहूंगा, जितनी नीलम जी बात करें हमने ये कर दिया वो कर दिया, काम तो पैसे से होता है। जो इनका प्रोजेक्शन था पिछले बजट में उस प्रोजेक्शन पे अभी तक इनकी 60% की रेवेन्यू रिसीट है, जीएसटी 59% पे है, नॉन टैक्स रेवेन्यू 44% पे है, 44 पे है, और खर्चा इन्होंने 55% किया है जो टोटल प्रोजेक्टेड थी। तो ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कहां से कर रहे हैं, हवाई बातें हैं सारी की सारी, ये तो अपने आप बजट बोल रहा है, बजट की है 31 दिसंबर तक के आंकड़े हैं जन्म नंबर बोले है। तो अब ये इतनी बड़ी बड़ी बातें हवाई फायर क्यों कर रहे हैं जब इनका बजट में जो प्रोविजन थी वो तो 40% तक अभी इनकी नीचे चल रहा है, पीछे चल रहा है, जो कि ये इनकी उपलब्धि है। ये बताया जी, बोली सर, आखिरी कमेंट आपका। जी नीलम जी, ज्योति जी, ये जो बजट होगा लोक लुभावना बजट होगा और करने कराने के लिए कुछ नहीं होगा, धरातल पर जो है इनके पास कुछ नहीं करने को, गरीब को जो है इसको वोटर को जो है बेवकूफ बनाने का ये कोशिश करेंगे, पर वोटर ये समझ लें कि वोटर जो है बहुत नीलम जी चर्चा का आखिरी कमेंट। हाँ, जी, मैं सिर्फ जादव साहब की जो बात कही थी कि आखिरी सत्र में हम वो जो मेरी बात का भी जवाब देना, आप सिर्फ एक मिनट जल्दी, कि हमने पूरे 4.5 साल मेहनत की है और अभी उसी में लगे हुए हैं। जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो पूरा साल मेहनत करते हैं और उनका मेरिट में आना फर्स्ट आना तय होता है, हमारे पूरे 5 साल की जो मेहनत जब जनता को नजर आएगी आप देखेंगे जनता राजनीतिक रूप से समझदार है। और तीन दिन तक बजट सत्र में क्या कुछ खास रहा और बजट में क्या खास हो सकता है उसको लेकर चर्चा की, फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।